A very good morning, everyone. I hope my voice is audible, screen is clear. What ajo Joseph Koi, so that we can start up with the class. फटाफट आ जाओ यस यू कैन आस्क योर क्वेश्चन डियर जय लक्ष्मी इज द चैप्टर्स मैम तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था जितने भी अमेंडेड क्लासेस है वो तो मैं चाहूंगी कि आप तक पहुंचे ही पहुंचे तो उसका मैंने सारा क्लासेस लिया है लाइव यूट्यूब में वेदर इट वॉज चैप्टर टू whether it, it was chapter 4, and now it is chapter थ्री and even chapter वन का भी मैंने कुछ session जो है आपका YouTube live पे तो already ले चुका है तो अगर आप देखोगे YouTube में आपको पक्का से जो है lectures मिलेंगे ठीक है तो जितने भी amendment classes है मैंने सारे के सारे YouTube live पे लिए है ताकि कोई भी स्टूडेंट को ऑल ओवर इंडिया दिक्कत ना हो सी ए फाउंडेशन के बच्चों को ठीक है थैंक यू जयलक्ष्मी फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग मी सो वेल

स यू नीड टू आंसर जेफ बेजोज ऑनली अमेंडमेंट आया है और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आएगा आपको इंस्टीट्यूट के मैट को ही फॉलो करना है ओके okay? अजिंक चलो क्लासेस को स्टार्ट समी वेर इज द हेड ऑफिस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फटाफट मेरे को बताओगे माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस कहा है वेरी क्विकली वेर इज द हेड ऑफिस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस कहाँ पे है फटाफट आंसर दोगे डेट वॉज फाउंड फाउंडेड बाय बिल गेट्स एंड पॉल एलन सत्या नदेला प्रेजेंट सीईओ जॉन थॉमसन प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ठीक है वॉशिंगटन वेरी गुड फिर उसके बाद एप्पल का हेड ऑफिस पे? कैलिफोर्निया यूएस ठीक है प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एप्पल टिम कुक द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एप्पल ठीक है नेक्स्ट स्टीव जॉब फाउंडर था एप्पल का ठीक है फिर आप मेरे को बताओगे रिसेंटली uh, कौन सा कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में फर्स्ट पोजीशन में है वॉलमार्ट एंड सेकंड पोजीशन में कौन है एमजॉन ठीक है फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फ्लिपकार्ट uh, जैसे ही वॉलमार्ट हेज अनाउंस द स्टेक परचेजिंग स्टेक इन फ्लिपकार्ट दो जन जो है रिजाइन कर दिए थे फ्लिपकार्ट से कौन दो द फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट हुआ द फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट सचिन बंसल एंड बिनी बंसल ठीक है 81 वन परसेंट स्टेक एक्वायर किया गया और उसके अलावा वो वॉलमार्ट ऑल्सो इज फेमस फॉर एक्वायरिंग मूज बोनोबॉस डॉट कॉम एक्सेट्रा ठीक है फिर उसके बाद जब भी बिनी बंसल सचिन बंसल का नाम आएगा दैट मीन्स टॉकिंग अबाउट फ्लिपकार्ट ऐसा कौन सा कंपनी है जिसका हेड ऑफिस इंडिया में भी और फॉरेन कंट्री में भी है द आंसर इज फ्लिपकार्ट सिंगापुर एंड बैंगलुरु ठीक है ऑपरेशन हेडक्वार्टर इन बैंगलोर इंडिया एंड डोमिकाइल ऑफिस इन सिंगापुर फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था एमेजन uh, के बारे में द करेंट चेयरमैन इज जेफ द फाउंडर इज ऑल्सो जेफ बेजोज बट मैंने आपको बोला था कि जेफ बेजोस जो है अनाउंसमेंट कर दिए कि सून गोइंग टू रिटायर एंड आल्सो जो न्यू चेयरमैन आने वाला है उसका भी नाम मैंने आपको लास्ट लास्ट बता दिया था टेल मी द नेम हु इज गोइंग टू बी द न्यू चेयरमैन ऑफ एमेजन हु इज गोइंग टू बी द न्यू चेयरमैन ऑफ एमेजन एंड जस्सी जैसी कोई नहीं एंडी जैसी ठीक है क्या था उसका नाम एंडी जैसी ऑल राइट right. फिर हम लोगों ने किया था इज द richest man of the world, फिर हम लोगों ने Amazon Sphere भी देखा था We visited the sphere of uh, Amazon. Uh, and where is the head office of Amazon? वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था यूएस में ही है ठीक है फॉर्च्यून में इसका रैंक सेकेंड है प्रोडक्ट्स का बात करें तो Amazon Fresh, Amazon Fire Stick, Echo, Alexa, जो डेली प्रोडक्ट्स होता है Amazon के वो सब आते हैं Wireless, Game Store, so many things of Amazon. ठीक है एंड अगर बात करें इंटरनेट कंपनी का तो पूरा वर्ल्ड में लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी बाय रेवेन्यू तो ये सब जो है फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटेल वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेमी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन है इंटेल ठीक है फाउंडेड बाई गोर्डन मूर एंड रॉबर्ट नॉइस एचपी हम लोगों ने डिस्कस किया था Intel, फाउंडर ठीक है फिर उसके बाद एचपी का जो है बेसिकली क्या फेमस है एचपी का लैपटॉप एचपी इलेक्ट्रॉनिक हाउस होल्ड कैलिफोर्निया यूएस हेड ऑफिस है एचपी uh, का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है एचपी का चिपबर्ग इंटेल में चिप उसके बाद चिपबर्ग ठीक है एंड ऑल्सो इट हेज लॉन्च नोट नोटबुक वर्ल्ड का फर्स्ट नोटबुक विथ ओशियन बॉन्ड प्लास्टिक रिसाइकलेबल फिर अदानी का हम लोगों ने डिस्कशन किया था गुजरात में अदानी, अदानी भी ऑपरेट करता है अदानी और एसीजेट क्या होता है बोला था जब स्पेशल प्रिविलेजेस देते हैं गवर्नमेंट एसीजेड को और जो एससीजेड के अंदर एरिया नहीं होता उसको डी बोलते हैं फिर हम लोगों ने एशियन पेंट्स का डिस्कशन किया था चौकसी ग्रुप वाज़ अ फाउंडर प्रेजेंट आनंद हेड ऑफिस इन मुंबई ठीक है जयेश मर्चेंट सी एफ ओ और स्ली ग्रुप में स्टेक एक्वायर किया था पेंट सेक्टर में गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है और इंडिया का लार्जेस्ट पेंट सेक्टर कंपनी भी एशियन पेंट्स है एक्सिस बैंक अमिताभ चौधरी याद है आपको मुंबई में इसका हेड ऑफिस है इट्स अ प्राइवेट कमर्शियल बैंक ठीक है बजाज डिस्टिंक्टली अहेड द स्लोगन ऑफ बजाज जमनालाल बजाज राहुल बजाज नाम तो सुनाई होगा पुणे इंडिया हेड ऑफिस 1945 वर्ल्ड का लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बजाज टू व्हीलर भी मैन्युफैक्चर करता है जिसका ब्रांड नेम हम लोगों ने डिस्कस किया था सिटी टी हंड्रेड एवेंजर डॉमीवर वी ट्वेल्व पल्सर एक्सेट्रा ठीक है लो कॉस्ट कार्स भी बनाता है फिर इसके बाद हम लोगों ने भारतीय एयरटेल गुरगांव में है इसका हेड ऑफिस सुनील भारती मित्तल द फाउंडर एंड द चेयरमैन ऑफ भारतीय एयरटेल एंड इन्होंने चाइना के संग कोलाबोरेट करके इवन अफ्रीका के जंगल में भी फोर्जी सर्विस को लॉन्च किया था एंड भारतीय एयरटेल हैज ऑल्सो एक्वायर्ड तिकोना का फोर्जी नेटवर्क ठीक है ब्रॉडबैंड का भी सर्विसेज देता है एयरटेल टेलीकॉम के अलावा इंटरनेट डेटा कार्ड एक्सेट्रा एंटरप्राइज बिजनेस सोल्यूशन फिर हम लोगों ने बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम जिसका पुराना बर्मा शेल था, uh, company, राजकुमार डी राजकुमार द प्रेजेंट चेयरमैन मैंने बोला था वो रिटायर कर गया है बटर इंस्टीट्यूट मैट इज नॉट अपडेटेड और फिर उसके बाद फोर्टी ऑफ द इंटरनेशनल बीपीसीन सर्विस सिप्ला आपको याद होगा वाईके हमीद एमिनेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्डिकल्टर प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सिप्ला ख्वाजा हमीदर ऑफ सिप्लाज इन मुंबई सिप्लाड बाई थॉम्स एंड इनोवेशन अवॉर्ड फॉर मैनुफैक्चरिंग लो कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग्स भयानक डिजीजेस लाइक एड्स कैंसर एट्सेट्रा केयरिंग फॉर लाइफ इज अलोगन ऑफ सिप्ला ठीक है ख्वाजा अब्दुल हमीद

कोल इसका हेड ऑफिस भी कोल में है कोलकाता इस तरह से याद रखोगे रिलेट करके कोल हेड ऑफिस इज ऑल्सो इन कोलकाता एंड कोल इंडिया लिमिटेड आपको पता है इट्स एन इंडियन कंपनी एंड ओन बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पब्लिक सेक्टर कंपनी इट्स नवरत्न ठीक है मैंने बोला था ना मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी जो हम लोग के सिलेबस में है नवरत्न और दे आर महारत्नाज नवरत्न और महारत्नाज होते क्या जिसको बहुत सारे प्रॉफिट मिले हैं ठीक है थीके? ऐसा पीएसयू जो कि भयानक वाला प्रॉफिट कमाते है जिसका सेल्स टर्न बहुत ज्यादा होता है उसको हम लोग नव नवरत्न एंड मिनि रत्न सबसे ऑनर करते हैं ठीक है ठीके? फिर मैंने आपको बोला था आ, मिनी रत्ना होता है नवरत्न महारत्ना सबसे ऊपर स्टेटस होता है महारत्ना फिर नवरत्न फिर मिनी रत्ना ऑल दिस पीएसयू पीएसयूज आर प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच इज ओन बाय गवर्नमेंट तो कोल इंडिया भी ओन बाय गवर्नमेंट है इसका हेड ऑफिस कोल कोलकाता याद रहेगा सर से कोल कोलकाता इसका हेड ऑफिस पे कोलकाता में है ठीक है और कोल इंडिया लिमिटेड आपको पता है पूरा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सिर्फ इंडिया का नहीं वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड है ठीक है 84% ऑफ द कोल प्रोडक्शन इन इंडिया इज डन बाय कोल इंडिया लिमिटेड टोटल जितना भी कोल का प्रोडक्शन होता है इंडिया में मेजोरिटी मोर देन 80% ऑफ द कोल इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस कंपनी और पूरा वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है ठीक है कोल का हेड ऑफिस पे कोलकाता तो और ये क्या गवर्नमेंट कंपनी है हाँ ये गवर्नमेंट कंपनी है ठीक है तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर एक ब्यूटीफुल वीडियो है जो मैंने ड्राफ्ट किया है प्लीज सुनोगे ध्यान से इसको <音楽><音楽> किस तरह से कोल बनता है कलेक्ट होता है Okay. तो आपने देखा किस तरह से जो है मेहनत किया जाता है किस तरह से तो इट्स ऑल अबाउट कोल जैसे ग्रेफाइट के बारे में सुनो इवन डायमंड फॉर्म ऑफ कोल ठीक है तो ग्रेफाइट हुआ डायमंड सब, सब कोल से बनाया जाता है ठीक है तो बहुत मेहनत है इसके ऊपर चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कोल का पूरा हेड ऑफिस कहाँ पे है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो मैंने आपको बोला लर्न करवा चुका है कोल फॉर कोलकाता तो कोल का हेड ऑफिस पे है 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 कोलकाता में इनकॉर्पोरेशन डेट के डोमेन क्या इसका ऑब्वियस कोल का प्रोडक्शन होगा प्लानिंग टेक्निकल सपोर्ट इन इंडिया ऑफ कोल कोल का एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा in ठीक है एंड कोल इंडिया लिमिटेड जो है बहुत सारे वर्कशॉप्स और हॉस्पिटल्स भी मैनेज करते हैं क्लियर है अच्छा कोल का नाम भी चेंज हुआ था कोल इंडिया लिमिटेड का पुराना नाम था नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कोल इंडिया चेयरमैन का नाम क्या है अनिल कुमार झा वेरी अनिल कॉमन नेम सो अनिल कपूर नहीं है अनिल कुमार झा है तो इस तरह से आपको लर्न हो गया होगा कोल इंडिया लिमिटेड का पूरा फटाफट मेरे को बताओगे कोल इंडिया लिमिटेड का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है कोलकाता में है ठीक है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है इसका डोमेन के एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल प्रोडक्शन ऑफ कोल एक्सेट्रा एंड मैनेजेस मेनी ऑफ द वर्कशॉप एंड हॉस्पिटल कोल इंडिया लिमिटेड का पुराना नाम था नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसके प्रेजेंट चेयरमैन का नाम क्या है अनिल कुमार झा फोर्सिंग फाइव एटी थ्री सो माई सजेशन इज डोंट लर्न इट चलो अब इसके बाद हम लोगों को ये भी डिस्कस करना है मैंने आपको बोला था कोल पॉइंट नंबर टू में आप देखो फोकस करो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है ये

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड महानगर कोलफील्ड लिमिटेड तो इस तरह से जो है इसके एट ओन सब्सिडरीज है तो ये सब जो नाम है आप एक बार एक आपको दिमाग में रखना है क्योंकि एग्जाम में कितना बार दे गिव यू द ऑप्शन इसमें कोल इंडिया लिमिटेड का सब्सिड्री नहीं है बताओ सो इट्स वेरी इजी ईस्टर्न वेस्टर्न सदर्न नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न एटसेट्रा एटसेट्रा ठीक है तो इस तरह से जो है महानदी महानगर तो ये सब आप देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोल का है कि नहीं है ठीक है फिर उसके बाद आ, अगेन और एक चीज देखोगे यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसको सीएसआर का भी अवार्ड मिला है ठीक है इट एज ऑल्सो वोन अवार्ड फॉर सीएसआर सी एसआर का फुल मैंने आपको बताया था फॉर ऑब्जर्विंग गुड कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी सोसाइटी के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक है और बहुत ज्यादा मतलब सर्विसेज देता है टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी जैसे मैंने बोला ना हॉस्पिटल वर्कशॉप इतना सारा मैनेज करता है तो इसलिए उसको बेस्ट का भी अवार्ड मिला था दैट इज डिस्चार्जिंग इट्स टुवर्ड्स द सोसाइटी ठीक है इसके अलावा और एक चीज बता दे कोल इंडिया लिमिटेड का अभी प्रेजेंट चेयरमैन हैज चेंज इट्स प्रमोद अग्रवाल ठीक है कोल इंडिया लिमिटेड का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है प्रमोद अग्रवाल और मेरे को ये नाम याद रहेगा बिकॉज प्रमोद अग्रवाल इज ऑल्सो द नेम ऑफ माई फादर ठीक है तो कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है यू नीड टू लर्न द आंसर इट्स द नेम ऑफ द चेयरमैन इज अनिल कुमार झा ठीक है एंड सीओ एस प्रमोद अग्रवाल मैंने नोट्स में सब कुछ प्रोवाइड किया सो डोंट वरी फॉर दैट सो आई होप कोल इंडिया लिमिटेड आपको लर्न हो गया होगा वापस से मेरे संग बोलोगे एक बार कोल फॉर कोलकाता 1975 ठीक है नवरत्न कंपनी है 84% ऑफ कोल प्रोड्यूस इन इंडिया इज डन बाय कोल इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसका नाम भी चेंज हुआ था ठीक है नेशनल कोल डेवलपमेंट से दिस और जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं इसके सब्सिडरीज के बारे में पूछते हैं कितने होली ओन सब्सिडरीज है एट जिसके नाम मैंने आपको बता दिए ईस्टर्न वेस्टर्न साउद नॉर्थ ठीक है तो इस सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड तो इस तरह से कोल इंडिया लिमिटेड के ये सारे सब्सिडरी कंपनीज है और इनको सीएसआर का भी अवार्ड मिला है और दो जॉइंट वेंचर इसने अंडरटेक किया था ठीक है और बहुत ही मेहनत लगता है कोल के एक्सप्लोरेशन में कोल को कोल से न्यू प्रोडक्ट्स बनाने में सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा

डर्मेटोलॉजी के लिए फेमस है गाइनोपोलॉजी के लिए फेमस है पेन ट्रीटमेंट के लिए फेमस है जैसे आप देखोगे लोगों का बाल झड़ता है तो तुरंत वो लोग कहाँ जाते हैं आप सुनोगे स्पेशली साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा ये फेमस है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी का ब्रांड आप सुनोगे लोग का बाल लोगों का बाल झड़ता है या कोई भी स्किन रिलेटेड एलर्जिक प्रॉब्लम होता है दे विजिट टू डॉक्टर लैबोरेटरीज उनके आउटलेट है जगह जगह तो दे प्रेफर विजिटिंग डॉक्टर लैबोरेटरीज के आउटलेट ठीक है वहां पे ये सब चीज का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है चाहे वो एलर्जी और डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम विच इज योर हेयर फॉल और योर स्किन एलर्जीज और एनीथिंग गाइनोकोलॉजी एंड ऑल्सो पेन ठीक है तो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ये सब मेडिसिन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ठीक है एंड डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी ने और एक फेमस ब्रांड को एक्वायर किया था जिस ब्रांड का नाम है नॉरिलेट ट एक फार्मा ब्रांड है अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड का एक कंपनी का नाम था अमेरिका का जिसका एक दवाई का ब्रांड का नाम था नॉरिलेट उसको रेड्डी ने एक्वायर किया और उसके बाद ये वन ऑफ द टॉप थ्री फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑफ इंडिया बन गया आफ्टर रेनबैक्सी एंड ग्लैक्सो यू मस्ट है नेम ऑफ रेनबैक्सी आप देखोगे मेडिसिन खरीदते हो ब्रांड नेम पीछे लिखा रहता है रेनबैक्सी कहीं ग्लैक्सो लिखा रहता है तो रेनबैक्सी ग्लैक्सो तो लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ही इंडिया के डॉक्टर रेड्डी भी उसी में आ गया है इट इज टॉप थ्री इट इज अमंग द टॉप थ्री फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया हाउ आफ्टर एक्विजिशन ऑफ नॉरीलेट ब्रांड एंड नॉरीलेट ब्रांड किससे एक्वायर किया एक कंपनी से उस कंपनी का नाम क्या था अमेरिकन रेमेडीज लिमिटेड जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है डॉक्टर रेड्डी उसका फाउंडर भी एक साउथ इंडियन ही होगा फाउंडर इज अंजी रेड्डी ठीक है फाउंडर अंजी रेड्डी इन कॉरपोरेशन डेट हैदराबाद तेलंगाना फाउंडर अंजी रेड्डी चेयरमैन कलाम सतीश रेड्डी याद रहेगा अब्दुल कलाम थे हमारे ये है वो हमारे प्रेसिडेंट थे ठीक है ये हमारे कलाम सतीश रेड्डी जी है तो अंजी रेड्डी कलाम सतीश रेड्डी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी देख लो अच्छे से लर्न इट डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी हेड ऑफिस हैदराबाद सबका रिलेशन है कोल इंडिया मैंने पढ़ाया कोलकाता डॉक्टर रेड्डी साउथ इंडिया हैदराबाद अंजी रेड्डी रेड्डी का रेड्डी नाम में लिखा हुआ फाउंडर कलाम सतीश रेड्डी प्रेजेंट चेयरमैन इन कॉर्पोरेशन 1984 ठीक है अब आइए देखते हैं इसका प्रोडक्ट डोमेन क्या है लेट हैव अ लुक फाउंडर अंजी रेड्डी प्रोडक्ट डोमेन टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन क्रीम ओवर द काउंटर क्या क्या देता है पेन के लिए डर्मेटोलॉजी के लिए एलर्जी के लिए गायनोकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ऑलरेडी मैंने आपको बताया ठीक है उसके अलावा जो है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो होते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ये बनाता है जैसे कि सिप्ला भी एंगेज था मैंने बोला था ना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड एंड मेडिसिन फॉर एनिमल्स उसमें ये भी इन्वॉल्व है सो so, कलाम सतीश रेड्डी यू कैन सी द फोटोग्राफ चेयरमैन ठीक है फिर मैंने आपको बोला था नॉरिलेट ब्रांड इन्होंने एक्वायर किया था ठीक है एंड ऑल्सो मैंने आपको बोला था अमेरिकन रेमिडीज लिमिटेड को एक्वायर किया था एंड इट बिकेम थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया आफ्टर एंड ग्लैक्सो ठीक है और फिर यूएस के संग भी कुछ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है कि यूएस का नॉन कॉम्पिटिंग जो मेडिकेशन है उसको इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा सो दैट्स ऑल अबाउट डॉक्टर रेड्डी चलिए वापस एक बार देख लेते हैं वेरी इजी 1975 किसका था कोलकाता इसका नाइनटीन एटी फोर है उसका हेड ऑफिस कोलकाता में था इसके हेड ऑफिस हैदराबाद में डॉक्टर अंजी रेड्डी फाउंडर कलाम सतीश रेड्डी प्रेजेंट चेयरमैन इसका काम किया डर्मेटोलॉजी पेन मैनेजमेंट एलर्जी एंड देन योर गायनोकोलॉजी ये सब का मेडिसिन इन्वेंट करना इज द पोर्टफोलियो ऑफ डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी ठीक है फिर अमेरिकन रेमिडीज रेमडीज लिमिटेड नोरिलेट ब्रांड ये सबको एक्वायर किया रेड्डी ने और उसके बाद इट बिकेम द थर्ड मोस्ट फेमस कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया आफ्टर रेनबैक्सी एंड ग्लैक्सो ठीक है सो so लर्न हो गया नेक्स्ट गेल ठीक है गैस इंडिया लिमिटेड ये भी एक हमारा क्या है गवर्नमेंट कंपनी है ऑल राइट right, नाम से ही समझ मा रहे गेल लिमिटेड का फंक्शन क्या होगा गैस का प्रोडक्शन गैस का प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ठीक है तो एक्सक्यूज मी फॉर टुडे थोड़ा सा आ, सर्दी हो गया है ठीक है सो बियर विद दैट सो गेल इंडिया लिमिटेड जो है आ, गैस कंपनी है और ये पता है गैस का एक लॉन्गेस्ट पाइपलाइन भी एस्टेब्लिश किया है बहुत बड़ा पाइपलाइन है जो कि ऑपरेट करता है आपका लोनी इन उत्तर प्रदेश टिल गुजरात So, उत्तर प्रदेश से गुजरात तक इन्होंने एक अपना लं, लंबा पाइपलाइन नेटवर्क भी बैठाया है और आपको पता है गेल का तीन सब्सिडरीज है एक गेल गैस लिमिटेड है एक ब्रह्मपुत्र पॉलीमर्स एंड क्रैकर्स लिमिटेड है और एक गेल सिंगापुर दैट इज वन ऑफ द ग्लोबल सब्सिडरी तो एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछता है गेल का फर्दर कितना सब्सिडरी कंपनी आंसर इज थ्री एक तो गेल खुद ही हो गया गेल गैस और एक है ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र कैसे याद रहेगा आपको ब्रह्मपुत्र रिवर से इन लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते गैस का जनरेशन करते करते एक्सप्लोरेशन तो और एक नाम है ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर्स और एक है गेल सिंगापुर मैंने बोला ना ग्लोबल में भी इसका एक सब्सिडी है तो दैट इज योर गेल सिंगापुर तो आपको याद हो गया तीनों नाम एक गेल गैस है एक ब्रह्मपुत्र पॉलीमर्स एंड क्रैकर्स है और एक क्या है आपका गेल सिंगापुर पीटी सो दीज आर द थ्री सब्सिडरी कंपनीज ऑफ गेल जैसे हम लोगों ने कोल का भी एट होली ओन सब्सिडीज पड़ा था ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न साउथर्न तो वैसे इसका थ्री सब्सिडरीज है ठीक है और इन्होंने एक लॉन्गेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क एस्टेब्लिश किया जिससे गैस का फ्लो होगा फ्रॉम लोनी इन उत्तर प्रदेश स्टिल जामनगर इन गुजरात ठीक है तो आइए हम लोग देखते हैं अच्छा इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सेम ही है देखो अभी हम लोग जो डॉक्टर रेड्डी का इसी लाइफ सिलेक्टेड द कंपनीज दैट हैज गॉट रिलेशन विद ईच अदर इसका भी 1984 था डॉक्टर रेड्डी का और इसके बाद जो हम लोग गेल गैस पड़े इसका भी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1984 तो आपको लर्न हो गया होगा इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में ठीक है इसका हेड ऑफिस पे न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में और एक जिनका हेड ऑफिस था अगर आपको याद है भारतीय एयरटेल का था ना हेड ऑफिस ठीक है प्रेजेंट चेयरमैन आशुतोष कर्नाटक ठीक है प्रेजेंट हेड चेयरमैन कौन है आशुतोष कर्नाटक का रैंकिंग छोड़ छोड़ दो दो ये सब प्रोडक्ट में हो नेचुरल गैस हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन गेल टेल ठीक है गेल गेलटेल को कौन ओन किया गेल इंडिया लिमिटेड गेल इंडिया लिमिटेड ठीक है मैंने बोला ना इलेक्ट्रिसिटी का भी जनरेशन होता है और ब्रह्मपुत्र रिवर को दे यूज ऑल राइट सो मैंने आपको बोला इंडिया का लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क है इसके पास गेल का सब्सिडरीज क्या क्या है गेल गैस ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर्स गेल सिंगापुर पीटी लिमिटेड मैंने बोला और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो गेल है उसका एक वन ऑफ द वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पाइपलाइन है जो कि कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है जामनगर इन गुजरात टू लोनी इन उत्तर प्रदेश ठीक है Learn कर लो फटाफट फड़। और गेल का भी जो नेम है चेंज हुआ था इतना बड़ा नाम आजकल कोई याद नहीं रखना चाहता गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कोई नहीं याद रखता तो सिर्फ गेल इंडिया लिमिटेड सबको याद है और नेम चेंज हुआ 2002 में तो बार फटाफट फड़ इसको लर्न कर लो थ्री सब्सिडीज वेरी इंपॉर्टेंट लर्न इट इंडिया ठीक है इसके अलावा गेल को बहुत सारे अवार्ड भी मिले लाइक इसको वर्ल्ड नंबर वन कंपनी डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन का अवार्ड मिले है नो वो डाउन ऑपरेशन टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन आर देर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जब आप अपने सप्लायर्स के संग अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हो उसको अपस्ट्रीम ऑपरेशन बोलते हैं और जब आप क्लाइंट्स के संग कस्टमर्स के संग अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हो उसको डाउनस्ट्रीम व्हेन यू आर डीलिंग विद योर कस्टमर दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन व्हेन यू आर डीलिंग विद योर सप्लायर दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम ऑपरेशन तो ये कस्टमर्स को बहुत ही अच्छा सर्विस देता है सो दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन उसमें इसको नंबर वन कंपनी बोला गया है ठीक है इसके अलावा इसको वॉटर मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा अवार्ड मिला है इन आउट ऑफ फेंस कैटेगरी सो सी आई आई यानी कि ये जो गैस इंडिया लिमिटेड है उसको नेशनल अवार्ड सीआईआई ने अवार्ड दिया है फॉर एक्सीलेंस इन वॉटर मैनेजमेंट गैस का प्रोडक्शन एक्सप्लोरेशन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो के बारे में सुनो ना वाटर तो मैनेजमेंट तो करना भी जरूरी है, मिला है। पड़ एक देख लो। आपको कुछ भी रिसर्च नहीं करना है प्रेजेंट और पास्ट के बारे में जितना पढ़ाया जाता है उस पर ध्यान दो उसके बाद कुछ नहीं आएगा एग्जाम में ठीक है ऑल राइट माइ डियर स्टूडेंट्स ठीक है गेल इज ओवर गेल का सब्सिडरी इज इंपोर्टेंट ठीक है तो एक न्यू दिल्ली पड़े एक हैदराबाद पड़े और उसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका हेड ऑफिस पे था कोलका कोलकाता ठीक है नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द कमर्शियल बैंक प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक एच डी एफ सी एच डी एफ सी के फाउंडर कौन है चेहरा देखो कितना हसी है तो चेयरमैन का नाम नहीं हसमुख लिखा हुआ है हसमुख ठाकुरदास पारेख पारेक हसमुख ठाकुरदास पारेख

ठीक है इसके एडिस पे मुंबई इंडिया में है Forbes और फॉर्च्यन का रैंकिंग छोड़ दो वर्ल्ड बेस्ट इंप्लॉयर में एक सौ उन्नीस इसका रैंक है ठीक है सो फाउंडर वी आर डन विद दीपक एस पारेट चेयरमैन ऑफ एच डी एफ सी बैंक ठीक है दीपक एस पारेक इज अ प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एच डी एफ सी बैंक ऑल राइट फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग उसका डोमेन में बड़ा एक बार डोमेन देख लो अच्छा और एक चीज इंपॉर्टेंट है आप पेजैप ऐप के बारे में सुने हो ठीक है चिल्लर ऐप के बारे में सुने हो डिजिटल वॉलेट तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि चिल्लर ऐप पेजैप किस बैंक का कॉन्ट्रीब्यूशन है एक्स एच डी एफ सी आईसीआईसीआई आपको लिख कराना है एच डी एफ सी तो जब भी पेजैप वर्ड सुनोगे या चिल्लर सुनोगे आपको आंसर क्या टिक करके आना एच डी एफ सी ठीक है एक बार फटाफट -पड़ देख लो वेरी क्विकली अच्छा इसका प्रेजेंट सीईओ का बात करें तो नया सीईओ इलेक्ट हुआ है अक्टूबर 2020 में द नेम ऑफ द सीईओ इज शशिधर जगदीशन ठीक है शशिधर जगदीशन तो सब आपके नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया चिंता मत करना ठीक है पेजैप चिल्लर जब भी पूछेगा एच बैंक का नाम आएगा पेजैप देख रहे हो अलग से अच्छा और एक क्वेश्चन पूछता है सेंचुरियन बैंक कौन एक्वायर किया एच डी एफ सी बैंक तो देख रहे हो सेंचुरियन बैंक एक्वायर्ड बैंक इट ऑल्सो मॉज विद टाइम्स बैंक सेंचुरियन बैंक टाइम्स बैंक सब एस डी एफ सी लर्न इट वेरी क्विकली प्लीज इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माइक्रो फाइनेंस में एसडीएफसी ने बहुत मेजर रोल प्ले किया माइक्रो फाइनेंस आपको समझ पा माइक्रोफाइने ना वो सारे आदमी लोग जिन लोग को नॉर्मल कमर्शियल बैंक लोन इजीली नहीं देना चाहते जो छोटे मोटे लोन लेते हैं जिन लोगों के पास सिक्योरिटीज नहीं रहता ऑफर करने के लिए बैंक्स को लाइक एग्रीकल्चरल सेक्टर कॉटेज इंडस्ट्रीज ठीक है माइक्रो इंडस्ट्रीज तो ये सब में एसडीएफसी ने बहुत मेजर रोल प्ले किया है माइक्रो फाइनेंस को प्रोपोगेट किया है और इसी वजह से इसको बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक का भी अवार्ड मिला है नबार्ड से एंड यू नो नबार्ड इज अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट तो एस डी एफ सी भी जो है के लिए करता है और इसी वजह से नबार्ड ने इसको बेस्ट परफॉर्मिंग ब्रांच भी दिया है है अवार्ड ठीक इसके अलावा बेस्ट एमएस एमएससी बैंक का भी इसको अवार्ड मिला MSCE, मतलब समझ गए ना माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस तो नबार्ड हो गया एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए जो लोन देता है एमएसएमई हो गया जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए लोन देता है ठीक है तो ये दोनों जन ने इसको अवार्ड दिया है यानी कि एस डी एफ सी इज लुकिंग इन टू

फटाफट डिस्कस कर लेते हैं एच बैंक का बात करें अगर हम लोग तो एच डी एफ सी बैंक का फाउंडर फाउंडर कौन है आपको याद आ जाना चाहिए कि हंसता हुआ चेहरा और याद रखना एच एच यानी कि H से उसका कुछ नाम है हसमुख फिर एच डी एफ सी बैंक जो है चिल्लर ऐप पेजेप के लिए फेमस है सेंचुरियन बैंक बैंक टाइम्स एसोसिएटेड विद नबार्ड ने इसको बेस्ट बैंकिंग परफॉर्मर का अवार्ड दिया एमएसएमई ने दिया इसको अवार्ड और यूरो ने इसको दिया इंडिया बेस्ट बैंक तो ये सारे जो मैंने अभी जस्ट ना बोले उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ठीक है थैंक यू जय लक्ष्मी, मतलब आप इतना ज्यादा तारीफ करोगे ना मेरा तो क्या बोले मेरा सर्दी जुकाम तो ऐसे ही ठीक हो जाता है आप लोगों का तारीफ सुनकर मैम इट्स ने आई नेवर फील बोर्ड टू योर क्लास लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम तमिलनाडु मैम थैंक यू वेरी मच डियर थैंक यू आप अपना जो सारा फीडबैक है ना प्लीज कॉमेंट बॉक्स में देना आफ्टर द वीडियो गेट्स ओवर एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ठीक है आपने जो फीडबैक मेरे को दिया है कमेंट बॉक्स में देना ताकि मैं बार बार उसको पढ़कर जो है मोटिवेट होकर और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकूं और अच्छा कुछ अपने स्टूडेंट्स को दे सकूं ठीक है एंट्रस्ट मी हम लोग का जब एक बार सिलेबस हो जाएगा वी विल आल्सो बी टेकिंग लॉट्स ऑफ अह रिवीजन क्लासेस लाइव रिवीजन क्लासेस मैराथन क्लासेस आरटीपीज एमटीपीज एवरीथिंग विल बी सॉल्वड लर्न हो गया एचडीएफसी बैंक ठीक है अच्छा और एक आपको चीज पता है ध्यान से सुनना पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इंक्रीजेस इट्स स्टेक इन एचडीएफसी बैंक फ्रॉम 0.8% टू 1.05 एज ऑन मार्च एंड 2020 ठीक है इन्होंने अपना स्टेक को भी बढ़ा लिया एचडीएफसी बैंक में चाइना का भी इसमें स्टेक था 0.8% वो बढ़कर 1.015% हो गया और इसकी वजह से बहुत न्यूज में भी आया था ये वाला जब भी अनाउंसमेंट हुआ था ना स्टेक बढ़ गया चाइना का तो इट अट्रैक्टेड पीपल्स अटेंशन बिकॉज ऑफ द मीडियाज हाइप ठीक है और इसका शेयर लिस्टेड है बीएससी और एनएससी बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सो दिस कंप्लीट एच डी एफ सी बैंक फटाफट एक बार हम लोग देख लेते हैं स्टार्टिंग से हम लोगों ने क्या किया क्या। जो की पॉइंट है ना खाली वो याद करने का कोशिश किया करो लाइक एच डी एफ सी बैंक का फाउंडर पूछ सकता है आपको याद आ जाएगा हम लोगों ने कुछ हंसा हुआ चेहरा देखा था हसमोक ठाकुर दास पारे ठीक है फिर उसके बाद पेजैप चिल्लर एसोसिएटेड एच डी एफ सी बैंक से

ज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ हेड ऑफिस इज इन मुंबई जहां पे भी आपको हेड ऑफिस याद नहीं होना एग्जाम में मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया गेटिंग आगे मुंबई टिक करके आ जाना मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंपनीज इंडियन कंपनीज हैव गॉट देड ऑफिस इज इन मुंबई में 255 है, मैंने आपको इंडिया का सेक्टर बैंक है चेयरमैन आईसीआईसी कमर्शियल बैंक करते हैं म्यूचुअल फंड है डी मैट देता है आईसीआईसी डायरेक्ट खोलोगे अच्छा इंस्टा बिज ऐप आईसीआईसी बैंक आपको पता है ना पोर्टेबल ऑनलाइन मोड जो कि आप मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप डील कर सकते हो समझ में आ रहा है मतलब आपको फिजिकली ना तो बैंक में जाने का दरकार है ना कंप्यूटर्स खोलने का दरकार है इंस्टा बिज ऐप इज सो हाईली पोर्टेबल एंड सो कॉम्प्रीहेंसिव आप उसको घर बैठे आराम से फ्रैक्शन में आप ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर सकते हो इंस्टा बिज ऐप खोलकर तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है इंस्टा बिज ऐप किसका है आई होप मेरे को ऐसा लगता है जिन लोग को आईसीआसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट या कोई भी करंट अकाउंट होगा उन लोगों के इंस्टा बिज ऐप पक्का होगा अपने मोबाइल ऐप में के बारे में में सुने सुने हो कितने सुने हो कितने जन हाथ हाथ उठाओ मतलब लिख के बताओ चैट बॉक्स ठीक है फिर इंश्योरेंस सर्विसेज भी देते हैं क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड्स लॉकर वीडियो बैंकिंग ऐप करेंट अकाउंट तो ऑल दी जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक के

और ये वो जब फाउंड हुआ था ना तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्ल्ड बैंक के बीच का ज्वाइंट वेंचर था लेकिन इट गॉट कन्वर्टेड अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी इसका शेयर को, को एक्वायर कर लिया गया था ठीक है है क्लियर तक अच्छा बैंक ऑफ राजस्थान जैसे सेंचुरियन बैंक टाइम्स बैंक एसडीएफसी का एक्विजिशन है आईसीआई बैंक एक्विजिशन इज बैंक ऑफ राजस्थान फिर मैंने आपको बोला इंस्टा बिज ऐप इन्होंने लॉन्च किया था ठीक है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म एंड आई आल्सो सेड यू कि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये इट्स रैंकड अमंग फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया और इसको भी सीएसआर का अवार्ड मिला है मैंने बोला ना बहुत सारे कंपनीज को सीएसआर का अवार्ड मिला है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का कोल इंडिया लिमिटेड को मिला था सीएसआर का आईसीआई बैंक को भी सीएसआर का अवार्ड मिला फॉर्म समझ रहाट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूर्स सोसाइटी अभी आपको पता है वही बिजनेस सर्वाइव कर सकता है जो सीएसआर को ऑब्जर्व करता है अगर आप एज अ बिजनेस एस्टेब्लिश करते हो एंड सिर्फ यू आर गाइडेड बाई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव विच इज प्रोफिट अर्निंग सेल्स मैक्सिमाइजेशन देन यू कैनोट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन यू शुड चेंज यब्जेक्टिव ऑल्सो टू सी एक्टिविटीज विच इज चैरिटी ठीक है

आपको ये सब समझ में आ रहा है यू आर लर्निंग इट एज वेल सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेयरमैन पूछ सकता है आईसीआई बैंक का चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कुछ कुछ कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए लाइक like एमजोन हुआ फ्लिपकार्ट हुआईसीआई बैंक हुआ गोल्ड मैन सेक्स हुआ टी हुआ इंफोसिस हुआ आज हम लोग पढ़ेंगे ठीक है टाटा सन हुआ रिलायंस हुआ संदीप बख्शी फाउंडर के वी कमाल सोलान होगी आपको यहां तक नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी इंडियन ऑयल आईओसीएल के नाम से जानते हो इंडियन ऑयल जो एलईडी लाइट्स लैंप है किसका डिस्कवरी इंडियन ऑयल का ठीक है इसका काम क्या ऑयल बनाना पेट्रोलियम ये सबसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट चेयरमैन संजीव सिंह इनकॉर्पोरेशन डेट 1959 हेड ऑफिस इज इन न्यू दिल्ली एयरटेल का भी न्यू दिल्ली में था फिर हम लोगों ने आईओसीएल का पढ़ा न्यू दिल्ली में और एक जन का न्यू दिल्ली में मैंने आपको बताया था आपको याद है अगर तो डॉक्टर रेड्डी के बाद हम लोग पढ़े थे बताओ न्यू दिल्ली में हम लोग और एक जन का हेड ऑफिस पढ़े थे Oil का भी New Delhi में. घर में जो एलपीजी सुनो ना इंडियन का गैस, गैस जैसे आप कुकिंग करते हो तो कुकिंग ऑयल किसका कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन ऑयल का ठीक है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द कंपनी वॉज रीनेम्ड एज इंडियन ऑयलोरेशन ऑन सेप्टेम्बर सिक्सटी फॉलोइंग द मर्जर ऑफ इंडियन रिफाइनरीज छोड़ देता नहीं करना ठीक है डोमेन में आ जाते हैं इंडियन ऑयल एविएशन फ्यूल भी देता है इंडियन ऑयल का पेट्रोलियम डीजल ये सब देखते हो ना रस्ते में इंडियन ऑयल का बोर्ड देखते हो वहां पे जो है सब आपका जो ट्रक हुआ गाड़ी हुआ जाता है अपना पेट्रोल फ्यूल डीजल भराने के लिए ठीक है सीएनजी भी है फिर उसके बाद इंडियन का गैस देखते हो कुकिंग गैस घर में लगाते हो ना ये सब गैस सिलेंडर सो ये सब हो गया मेरा इंडियन ऑयल का प्रोडक्ट डोमेन तो यह देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि इंडियन ऑयल का प्रोडक्ट डोमेन क्या है गैस है कुकिंग गैस पेट्रोल डीजल एविएशन ऑयल है ठीक है बट सबसे ज्यादा एविएशन फ्यूल तो इंडिया में कौन साप्लाई करता है बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम ठीक है जिसका पुराना नाम शायद बर्ना शेल रिफाइनरीज था क्लियर है चलिए इंडियन ऑयल का प्रोडक्ट डोमेन एलपीजी मैंने बोला इंडियन एलपीजी ठीक है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम लुब्रिकेंट्स प्रोडक्ट एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा सी एस आर अवार्ड इसको भी मिला हुआ है ठीक है एलईडी लैंप्स के लिए इसको इनोवेशन अवार्ड मिला था मैंने बोला ना एलईडी एम किसका कंट्रीब्यूशन है इंडियन ऑयल का तो ये सब जो अलग से मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ ना दीस आर इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं और आने के चांसेस भी है फिर से दे आर रिपीटेटिव इन नेचर एलईडी लैंप पूछेगा कि कौन सा ऑयल कंपनी का कंट्रीब्यूशन है आंसर इज इंडियन ऑयल ठीक है एक्सक्यूज मी ठीक है सो इंडियन ऑयल भी आपको लर्न हो गया होगा फटाफट पड़ स्लाइड्स को टर्न कर लेते हैं आप देख लो इंडियन ऑयल चेयरमैन संजीव सिंह ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1959 हेड ऑफिस इज इन न्यू दिल्ली इसको रीनेम कर दिया गया ठीक है इसका प्रोडक्ट डोमेन एविएशन फ्यूल इंडियन ऑयल गैस एटसेट्रा तो इंडियन ऑयल में आपको खाली इतना याद रखना है एक तो एलईडी लैंप वाला बात याद रखना है और एक इंडियन गैस है एविएशन फ्यूल है पेट्रोल डीजल है ये सब इंडियन ऑयल सप्लाई करता है

ठीक है तो अंजी रेड्डी फाउंडर कलाम सतीश रेड्डी प्रेजेंट चेयरमैन कैप्स्यूल्स इंजेक्शन डॉमेटोलॉजी पेन मैनेजमेंट गाइनोकोलॉजी फिर उसके बाद देख रहे नोरिलेट ब्रांच ब्रांड को को लॉन्च किया किया गया था अमेरिकन लिमिटेड एक्वायर और उसके बाद तो इसका मालामाल ही हो गया थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गया इंडिया का आफ्टर एंड एनबेक्सियन ग्लैक्सो ठीक है इसके बाद हम लोगों ने गेल के बारे में पढ़ा न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस 1984 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री मनोज जैन प्रेजेंट चेयरमैन जैसे कि मैंने आपको बोला नोट्स सर अपडेटेड है

याद आ रहा है ये सब कुछ तो हम लोगों ने यह सब डिस्कस कर चुके ऑलरेडी थी। ठीक है इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था एसडीएफसी का तो नाम सुनते ही ना मेरे दिमाग में हंसता हुआ चेहरा आ जाता है तो इसका फाउंडर आप समझ गए हो कौन है हसमुख ठाकुरदास पारेटी फोर मुंबई इंडिया में ऑफिस दीपक एस पारेक प्रेजेंट चेयरमैन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक जो होते हैं वही एसडीएफसी के होंगे होलसेल बैंकिंग रिटेल बैंकिंग क्रेडिट कार्ड्स ई पेमेंट लेकिन चिल्लर और पेजैप ऐप किससे एसोसिएटेड है एच बैंक से सेंचुरियन बैंक टाइम्स बैंक किसने अक्वायर किया एच बैंक ठीक है सो so, ये सब हम लोग को लर्न करना होगा एंड ऑल्सो बैंक ऑफ चाइना का जो है स्टेक बढ़ गया एच बैंक में इट वाज पहले जीरो पॉइंट एट परसेंट नॉट वन पॉइंट इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है फिर उसके बाद आईसीआई बैंक का प्रेजेंट चेयरमैन वेरी मच इंपोर्टेंट संदीप बाक्षी फाउंडर केवी कमात आईसीआई बैंक में हुआ था वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाइप से लेकिन ये कन्वर्ट हो गया संदीप बाक्षी बिंग द प्रेजेंट चेयरमैन केवी फाउंडर इसके हेड ऑफिस है मुंबई में क्लियर है इंस्टा बिज ऐप बैंक से रिलेटेड है बैंक ऑफ राजस्थान किसने किया आईसीआईसी बैंक में ओके सो बैंक इज ओवर फिर फिर उसके उसके बाद बाद इंडियन इंडियन ऑयल ऑयल न्यू दिल्ली ठीक है 1959 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संजीव सिंह प्रेजेंट चेयरमैन इंडियन ऑयल में मैंने आपको बोला ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको खाली याद रखना इंडियन एलपीजी कुकिंग गैस पेट्रोलियम ये सब एविएशन फ्यूल एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा और हाँ एलईडी लैम्प का क्वेश्चन आएगा इंडियन ऑयल एलईडी लैम्प किसका इनोवेशन है इंडियन ऑयल का एंड सी से अवार्ड मिला है ठीक है तो द गुड न्यूज इज अब ज्यादा कंपनी नहीं बचे

क्योंकि आप जब तक सी एग्जाम देने जाओगे हो सकता है एक दो दिन ऐसा आएगा आपका तबियत ठीक नहीं है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है बेड में पड़ जाओ जाओगे लेट जाओगे छोटा मोटा बीमारी है पढ़ाई करो करो वेदर यू आर वेल वेल और नॉट थोड़ा बहुत रेस्ट भी घरेलू नुस्खे अप्लाई करो गर्म पानी पियो काढ़ा पियो अपने आप आप ठीक हो जाओगे ठीक है लेकिन उस छोटा सा चीज को हवा मत बना दो अरे बीमार हो गए क्लास कैसे करे पढ़ाई कैसे करे एग्जाम में कल क्या होगा मम्मी पापा ये सब करना बंद करो प्रोफेशनल स्टूडेंट हो आप राइट ठीक है चलिए तो मैंने आपको जैसा कि बोला ना ऑलरेडी इफ यू फॉल इन लव योर स्टडीज नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग मेरिटियस मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ाई करना है मैंने आपको हर समय से बताया है, मेरे बच्चों ऑल ओवर इंडिया आई एम एड्रेसिंग इट अगेन टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना है हम लोग को इसलिए पढ़ना है ताकि हम लोग जो है मेरिट लिस्ट में अपना नाम को ला सके पास तो वैसे ही हो जाओगे बिना ट्यूशन किए समझ लो मेरा बात तो किस लिए पढ़ना है अपना नाम को मेरिट लिस्ट में लाना है थ्री हंड्रेड प्लस लाना है हमारे को एग्जाम्स में मैम इंटर में रैंक लाएंगे फाइनल में रैंक लाएंगे फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट ने रैंक हटा दिया तो क्या हुआ थ्री हंड्रेड प्लस होना ही मतलब रैंक है आपके लिए सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छा मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं समझ लो मेरा बात तो अगर दिमाग में ठान लोगे मतलब लो तरह इंटरेस्टिंग मतलब, अरे यार, क्लास लेना तो ऐसे नहीं आज चैप्टर थ्री का थर्ड क्लास है हम लोग का तो दो क्लास छुटकी में ला होगी आज थ्री मैम लोग क्या सीखेंगे मजा आ जाएगा आज तो यार दिस शुड बी स्टडीज समझ में जिस दिन ऐसा आ जाएगा पढ़ाई की तरफ आपको सी ए बनने से कोई नहीं रोक सकता डेट इज माई चैलेंज कोई भी नहीं रोक सकता इवन आप चाहे एकेडमिक्स में अच्छे स्टूडेंट नहीं थे में आपका अच्छा नहीं, अच्छा नहीं है. ठीक है बोलते है ना किसी चीज को आप मतलब दिल से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उस चीज को हासिल करने के लिए तो आप स्टडीज के संग मोहब्बत कर लो समझ है जस्ट फॉल इन लव विथ योर स्टडीज नो वन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग दी इन फर्स्ट शॉर्ट अलॉन्ग विजो चलो, चलो इन्फोसिस करते हैं पहले ठीक है मजा आएगा ना इंटरेस्टिंग कंपनी करते हैं ठीक है थीके? क्या छोटा मोटा करेंगे इन्फोसिस करते हैं पहले मतलब बहुत कुछ है इन्फोसिस के चेयरमैन से सीखने को हम लोगों को इन्फोसिस के फाउंडर से सीखने को चलिए आइए हु इज ही अगर आपको ये पता है

ठ महारती इंजीनियर्स थे जो पुणे में रहते थे और उन्होंने मिलकर रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन दो जन का है एनआर नारायण मूर्ति का और नंदन नीलकनी का एंड द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस इज नंदन नीलकनी एन आर नारायण मूर्ति हैज रिजाइन फ्रॉम द चेयरमैनशिप ऑफ इन्फोसिस बट स्टिल इन दिस कंपनी

आधार कार्ड यूज कर रहे हो किसका देना पता है नंदन नीलकनी जी का और अगर आप टॉक शो देखोगे बिल गेट्स का एक हीरोज का का टॉक शो एपिसोड में उन्होंने पूरा स्टोरी बताया नंदन नीलकनी का एंड आई वोट टू शो यू दैट टुडे ठीक है तो आइए इन्फोसिस के बारे में जानते इन्फोसिस ऑल दो मैंने आपको बोला कि सेवन इंजीनियर जो कि पुणे में थे उन्होंने इन्फोसिस बनाया बट स्टिल इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है हेड ऑफिस कहाँ पे बैंगलोर में ठीक तो है तो आइए देखते हैं इसके हेड ऑफिस कहाँ पे बैंगलुरु ठीक है हेड ऑफिस इज इन इन बैंगलोर फाउंडर्स कि मैंने आपको बोला एनआर नारायण मूर्ति नंदन नीलकनी राघवन है गोपाल कृष्णन है शिबूलाल है के दिनेश है अशोक अरोरा इतना सारा नाम याद नहीं करना है मैंने बोला सेवन फ्रेंड्स थे इन लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में एक संग थे लो, इन लोग पुणे में वहां पे इन्होंने इन्फोसिस का फाउंडेशन किया

सारे कुछ जो है ओपनली सबको विजिबल है कि कंपनी क्या कर रहा है सो दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्विंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इसका ही एन नारायण मूर्ति ने लाया फिर मैंने आपको भी जस्ट बताया आधार कार्ड का किसने लाया नंदन नीलकनी ये बीजेपी में हुआ करते थे और आधार कार्ड वॉज इंट्रोड्यूस फ्रॉम बीजेपी यू नो दैट सो दैट वॉज मास्टर माइंड वॉज नंदन नीलकनी बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ आधार कार्ड इन इंडिया ठीक है चलो सो सेवन इंजीनियर्स इन पुणे फाउंडेड दिस कंपनी आउट ऑफ दर नारायण मूर्ति नंदनिट्री नंदन नीलकनी प्रेजेंट चेयरमैन ई मेरिटस चेयरमैन एज अ टोकन ऑफ रेस्पेक्ट एनआर नारायण मूर्ति इन कॉर्पोरेशन नाइन इन bangalore ठीक है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसने लेकर आया एनआर नारायण मूर्ति जी ने आधार कार्ड किसने लेकर आया नंदन नीलकनी जी ने ठीक है और फिर उसके बाद इन्फोसिस आपको पता है एक सॉफ्टवेयर कंपनी कंपनी आईटी है इन्होंने खुद का तो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी अक्वायर किया है इफ यू अबाउट द नेम ऑफ पनाया फिनेकल नोहा कंसल्टिंग कंपनी ऑल एक्विजिशन ऑफ इन्फोसिस जैसे हम लोगों ने एप्पल का बीट इलेक्ट्रॉनिक्स किया था फिर उसके बाद मिलेनियम स्टील ऑफ थाईलैंड एंड कोरस ऑफ यूके मेरे को याद आ रहा है टाटा सन का एक्विजिशन था तो वैसे इसका भी सॉफ्टवेयर कंपनीज का एक्विजिशन है द नेम ऑफ दैट कंपनी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है कि इसके एक्विजिशन कंपनीज का नाम बताओ नोहा सॉफ्टवेयर कंपनीज का नाम बताओ जो कि इन्फोसिस ने एक्वायर किए नोहा स्कावा पनाया फिनाकल ऑल दीज आर एक्वायर्ड बाय इन्फोसिस ठीक है सब याद रहेगा चलिए आ जाइए फटाफट फॉर्ब्स में रैंकिंग 602 So this I was about. Bill Gates, जैसे कि मैंने आपको बोला उनका एक चैनल आता था उनका एक वेब सीरीज था सीरीज आता था हीरोज इन फील्ड में उन्होंने नंदन नीलकानी का इंटरव्यू लिया था ठीक है उसमें पूरा स्टोरी बताया गया है जो आधार कार्ड का और बीजेपी का मैंने आपको भी बताया तो आप सुनना चाहोगे क्या उसके बारे में आइए हम लोग उसके बारे में सुनते ध्यान देना और सुनना वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं चला देती हूँ तो आपका ब्रेक टाइम होता है बहुत ही मेहनत से सब वीडियो में ढूंढ ढूंढ कर आपके तरफ पास आपके लेकर आती हूँ ताकि आपको इनसाइट मिले कि हाँ ये कंपनी जो हो रट्टा नहीं मारो पूरा समझ रहे हो क्या है ये इससे आपका जनरल नॉलेज भी बहुत बूस्टअप हो रहा है मैंने आपको बोला ये सिर्फ आपका फाउंडेशन लेवल में काम नहीं आएगा आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब सीए क्लियर कर लोगे तब भी काम आएगा my friend nandan nilakani is one of india's best-known entrepreneurs he led the creation of the world's largest biometric id system now his platform to improve the lives of the world's poorest people there are more than a billion people around the world who don't have any kind of ID. You can't do anything in life without an ID because people are mobile, they're migrant, and wherever they go, whether they want a job or whether they want to board a train or whether they want to get a bank account or get a mobile connection, if the person has no way of proving who they are, then they just won't get access to those services. So the challenge we had was how do we give a billion people, many of whom don't have birth certificates, how do we give them ID? Aadhaar is the world's largest digital ID system and entirely based using biometrics to ensure uniqueness. Our enrollment was very simple name, address, date of birth, sex, email ID, and phone number, if you wish, and the biometrics the 10 fingerprints of both the hands, the iris of both the eyes, and a photograph. And in a few days, uh, he would get his Aadhaar number in the mail. And that's how a billion people got their IDs. You could use it when you're boarding a train or boarding an airline, if you want to open a bank account, or if you want to get a new mobile connection. You could use it to get your entitlements. All these things I would use ID for. Let me talk about some of the opposition that the Aadhaar project faced. There was a huge argument on privacy, cyber security, data breaches are important uh, issues. All these debates have actually led to India putting in the checks and balances to ensure that it's used properly and wisely. So it's not data for companies to commercialize, it's not data for governments to do surveillance, but data in the hands of individuals to empower their own lives. In the developing countries, people will be data rich before they're economically well off. Therefore, can we think of empowering people with their own data? This is very, very critical for development because we have billions of people in emerging countries who have to be given a chance to participate and have access to opportunity. My view is that if everyone has a bank account, everyone has a mobile phone, and everyone has a digital ID, then they can do magic uh, in their lives. तो मेरे को लगता है बहुत जन को ये चीज शायद पता ही नहीं था पता था क्या आप लोगों को ये सब पहले से ठीक है सो आई मस्ट से हिज कंट्रीब्यूशन इज टोटली रिमार्केबल इन इंडियास डेवलपमेंट एज वेल आई कैन से चलिए आइए इधर देखिए प्रोडक्ट डोमेन का बात करें मैंने आपको बोला ना ये सारे जो आईटी कंपनीज हैं नॉलेज बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं इन्होंने एक्वायर किए माना ये सारे प्रोडक्ट डोमेन हो गए इन्फोसिस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म एज इन्होंने पनाया तो इन्फोसिस का अच्छा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी नेम चेंज टू इन्फोसिस टेक्नोलॉजीड इन एप्रिली 1992 एंड टू इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड यानी प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बन गया ठीक है 1992 में.

सो so, मैंने आपको बताया कि नोहा को एक्वायर किया था डेट वॉज अ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस को एक्वायर किया तो ये सारे सॉफ्टवेयर बता रहे कि क्या चीज में काम करते थे लाइक like, नोहा का मैंने बताया कि ऑयल और गैस इंडस्ट्री का कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर था स्कावा जो है डिजिटल एक्सपीरियंस सोल्यूशन प्रोवाइड करता था इन स्टोर शॉपिंग के लिए फिर उसके बाद पनाया जो है ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी फॉर लास्ट स्केल एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट

तो स्कावा अपना ये सब जो है इन्होंने एक्वायर किया उसके अलावा एक्सीलेंस पार्टनर बाय माजदा इज मास्द कंपनी और इसके अलावा टॉप एम्प्लॉयर का भी इसको सर्टिफिकेट मिला है फॉर फॉर गिविंग गुड गुड ऑब्जर्विंग इन ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर एंड जापान तो तीन कंट्री का नाम याद रखना किसका काम किसके इसका संग होता है इन्फोसिस का ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर एंड जापान बिसाइड इंडिया ठीक है सो दैट्स ऑल अबाउट इन्फोसिस वापस एक बार देख लो इन्फोसिस का फाउंडर सेवन इंजीनियर्स हु लिव्ड इन पुणे िसमिटेड गॉट कन्वर्टेड इन टू इन्फोसिस टेक्नोलॉजीडी इन दिन ऑफिस बैंगलोर में नंदन नीलकनी चेयरमैन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन आधार कार्ड भी उन्होंने ही बनाया था बीजेपी में थे ही उस समय ई मेरिटिस चेयरमैन का बात करें तो अभी भी एनआर नारायण मूर्ति को ई मेरिटिस चेयरमैन के नाम से जाना जाता है और गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जब भी नाम लिया जाएगा तब हम लोग एनआर नारायण मूर्ति का नाम को याद करेंगे ठीक है फिर स्का पनाया फिनाकल ये सारे सॉफ्टवेयर है इन्फोसिस के एक्सिल्स पार्टनर माज़दा टॉप इम्प्लॉयर फॉर ऑब्सर्विंग गुड प्रैक्टिस सिंगापुर एंड जापान ठीक है अच्छे so हो हो से आई होप अब हम लोग नेक्स्ट तड़कता भड़कता कंपनी में चलेंगे जो की बहुत ही पॉपुलर है आईटीसी आईटीसी के बारे में सुने हो गए हाउ मेन बीन टू आईटीसी होटल ग्लोब अक्रॉस दर्ल्ड इंडिया अच्छा कैलकाटा में आई टी सी कांगाल आई टी सी सोनार बंगला पुराना था आई टी सी रॉयल बंगाल भी खुला था कैलकाटा बहुत ही बढ़िया फाइव स्टार रेस्टोरेंट है होटल है एक्चुअली ठीक है तो आई टी सी किस चीज के लिए फेमस है बड़े बड़े लग्जोरियस होटल्स के लिए फेमस है आई टी सी का डेली प्रोडक्ट भी बहुत सारा आता है इफ़ यू नो आई टी सी का आशीर्वाद का आटा ग्रोसरी आइटम्स रहते हैं इसका घी रहता है चॉकलेट आईटीसी के कुकीज है आईटीसी के क्लासमेट का कॉपी आप जो यूज करते हो आईटीसी का ही है इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जब आईटीसी खुला था क्या चीज से स्टार्ट किया था क्या चीज का मैन्युफैक्चरिंग से सिगरेट तो आईटीसी का सबसे ज्यादा सिगरेट फेमस है और कंपनी का नाम ही सिगरेट के नाम पे के ऊपर है इंपीरियल टोबैको लिमिटेड इंडियन टोबैको लिमिटेड एंड नॉट इज एज आईटीसी लिमिटेड आईटीसी का पुराना नाम आपको पता है क्या था इंपीरियल टोबैको लिमिटेड फिर उसके बाद द नेम गॉट कनवर्टेड इनटू इंडियन टोबैको लिमिटेड एंड नाउ द नेम इज ओनली आईटीसी लिमिटेड ठीक है आईटीसी देख रहे हो ये सारे ब्रांड्स आईटीसी के इप्पी नूडल्स खाते हो वो भी आईटीसी सनफी स्टाइट्स ई बिंगो मैड एंगल्स आईटीसी आईटीसी का होटल सैवलॉन विल्स लाइफस्टाइल आईटीसी सब आईटीसी का प्रोडक्ट ब्रांड है देख रहे हो आईटीसी का चॉकलेट्स गजब का होता है

आईटीसी का हेड ऑफिस पे है कोलकाता ठीक है डेट ऑफ हेड ऑफिस कोलकाता नेम चेंज मैंने बोला पहले इंपीरियल टोबैको कंपनी था फिर इंडियन टोबैको हुआ फिर आईटीसी हुआ 1974 में तो पहले पुराना नाम इंपीरियल टोबैको फिर इंडियन टोबैको फिर आईटीसी लिमिटेड इन चेयरमैन एंड सीईओ संजीव पुरी ये होटल कहां का फोटो है बता सकोगे कोई अगर गया है तो मेरे को बताएगा बताओ दिस इज आई टी सी रॉयल बंगाल बंगाल का सो so, सेकेंड लास्ट पॉइंट देखोगे वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट इन्होंने लॉन्च किया एक किलो चॉकलेट का दाम फोर पॉइंट थ्री लैक्स किसको बोलते फोर पॉइंट थ्री लैक्स पर के जी ठीक है देख लो एक बार एड्रेस मैंने नहीं पूछा था हर्षित हर्षित इज ऑल्सो गिविंग द एड्रेस ऑफ दिस होटल आईटीसी का एक पॉपुलर प्रॉपर्टी चेन्नई में भी है छोला होटल के नाम से जाना जाता है मौर्या है यस आईटीसी रॉयल है कोलकाता में बंगाल गलती से निकल गया था ताज बंगाल है ना आईटीसी रॉयल संजीव पुरी संजीवपुरी देख रहे हो लग रहा है कोई पैलेस है ये। और अगर आप अंदर जाओगे देखोगे पूरा वाइट पूरा वाइट फर्नीचर दिया पूरा व्हाइट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है इट टाइल्स व्हाइट फ्लोरिंग एवरीथिंग इज व्हाइट तो उसको maintenance का भी कितना होगा ठीक है आईटीसी so तो का पुराना नाम बहुत बार पूछता है इंपीरियल टोबैको इंडियन टोबैको आईटीसी का मेजर प्रोडक्ट डोमेन सिगरेट मैन्युफेक्चरिंग था पता ना आपको सिगरेट आईटीसी का मेजर ब्रांड है उसके अलावा क्लासमेट्स का कॉपी अगर बत्तीस आता है सनफीस चेयरमैन हो गया आई का एंड फेबल ब्रांड में मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट इन्होंने लॉन्च किया और देखो सी एस आर के लिए भी इसको अवार्ड मिला गोल्डन पिकॉक अवार्ड गोल्डन पिकॉक अवार्ड याद एशियन पेंट्स को भी मिला हुआ इसको भी मिला है.

थर्मल पावर कर का जनरेशन करते हैं एक्सेट्रा एनटीपीसी का के लिए पूछता है वो मैं आपको मार्क करवा दूंगी और मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है ठीक है रेल कांति बिजली कांति एटसेट्रा तो जब भी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी से कुछ वर्ड आएगा तो आप एनटीपीसी को टिक कर देना उसका सब्सिड्री है ओ एनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी हेड ऑफिस उत्तराखंड उत्तराखंड में अभी तक जितना भी पढ़े थे मुंबई न्यू दिल्ली पुणे गुजरात अहमदाबाद उत्तराखंड फर्स्ट टाइम आ रहा है सो एनजीसी के हेड ऑफिस उत्तराखंड में याद रखना कुछ हटके है शशि शंकर इसका प्रेजेंट चेयरमैन है प्रोडक्ट डोमेन वही ऑयल नेचुरल गैस नाम में छुपा हुआ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इसका जो सब्सिडियरी है पोसोको तो एग्जाम में पोसोको किसका है पोसोको पावर ग्रिड का है ठीक है इसका हेड ऑफिस गुड़गांव में दैट इज न्यू दिल्ली चेयरमैन आर एन नायक प्रोडक्ट डोमेन ट्रांसमिशन ऑफ पावर टेलीकॉम एटसेट्रा देख लो फटाफट लर्न कर लो वेरी क्विकली वेरी इजी छोटे मोटे चीज है लर्न कर लो कभी कभी ये छोटे मोटे चीज भी खतरनाक होते हैं इससे आ जाते हैं बट इसमें हम लोग ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे ऊपर ऊपर से करेंगे लाइक like एनटीपीसी का फुल फॉर्म या एनटीपीसी का मैंने बोला सब्सिडरी आता है तो कहीं पे भी सब्सिडरी में रेलवर्ड देखना विद्युत कांति या बिजली आई विल शो यू दीज द सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी और ओ एनजीसी में ऑयल एंड नेचुरल गैस ठीक है और पावर ग्रिड में मैंने पोसुको वर्ड बोला पोसुको वर्ड याद रखना उसका फुल फॉर्म आई विल शो यू इन माय नोट्स पोसोको पढ़ लो भर गिविंग यू टू मिनट्स टाइम लर्न लर्न इट राइट नाउ 75 56 89 गुरदीप सिंह शशि शंकर आरएल नायक प्लीज कहीं जाओगे नहीं आज जो हम आज है हम लोग आज लास्ट क्लास है पूरा लास्ट तक जुड़े रहोगे मेरे संग बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम लोग करेंगे ठीक है फटाफट -फड़ इसको प्लीज एक बार रिवाइज करो अच्छे से Thank you. এবং আমরা যে हो गया आप लोगों को लर्न अच्छे से यहां तक सो द ब्रेकिंग न्यूज लास्ट कंपनी ऑफ दिस चैप्टर तो हंसते खेलते हम लोगों ने जो है ये चैप्टर को नक्की कर डाला एस बी आई बचा है बस खाली पता है आप लोगों को पूरा थर्टी थ्री का थर्टी थ्री कमनी हम लोगों ने नक्की कर डाला है जस्ट इन मैटर ऑफ थ्री क्लासेस बिकॉज आपको देखने में लग रहा होगा खाली तीन क्लास लगा है बट इसमें मेरे को बनाने में प्रेजेंटेशन को पूरा बनाने में कम से कम जो है आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट पास्ट फिफ्टीन डेज आपके लिए ये आसान हो गया आपके लिए इसीलिए आसान हो गया क्योंकि मैंने इसके लिए ऑलरेडी होमवर्क करके रखा है तो इससे अच्छा और नहीं हो सकता ये वाला चैप्टर ट्रस्ट मी आप कहीं पे भी क्लासेस देख लो इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा द द पावर पॉइंट आई आई फॉर फॉर यू यू मतलब दे दे आर आर सो सो इजी स्टूडेंट फ्रेंडली कि आप न नहीं भी चाहोगे ना अगर आप खाली क्लास कर लोगे तो भी आपको लर्न हो जाएगा तो क्योंकि मैंने अपना होमवर्क कर लिया इसलिए ये चैप्टर में इतना कम समय लगा अदरवाइज ऐसा भी होता है लोग दस दस दिन तक ये चैप्टर को टानते हैं जिन लोग जस्ट मैट से मार्किंग करा के पढ़ाते हैं तो मैंने भी मैट से ही पढ़ाया आपको लेकिन इन अ विजुअली अपीलिंग मैनर इन अ स्टूडेंट फ्रेंडली मैनर ताकि आपको आपका होमवर्क ना करना पड़े आपको क्लास में ही सब कुछ हो जाए एंड आई होप यू एग्री विद दैट तो ऐसा नहीं है कि आज क्लास है तो आज ही उठकर मैंने प्रेजेंटेशन बनाया और क्लास हो गया एक एक पीपीटी के पीछे अगर आप जानते हो पीपीटी किस तरह से बनता है स्लाइड्स किस तरह से बनता है भयानक मेहनत जुड़ा हुआ है

जो आंसर ठीक से कर पाएगा मेरे से बेटर मेरे जो बच्चे है जो मेरा क्लास देख रहे हैं इतना मेरे को कॉन्फिडेंस दे दो आपके सामने कोई ना टिक सके आप जो है अच्छे से बवाल आंसर कर दो सबको समझा दो कोई भी टॉपिक पूछे आप समझा दो और आप ऐसा ना बोलो चैप्टर थ्री बहुत टफ है बहुत डेंजरस है बल्कि ऐसा बोलो चैप्टर थ्री आओ हम तुमको समझा देते हैं सो दिस इज एड्रेस टू ऑल माय स्टूडेंट्स ऑल माय फैमिली आर वाचिंग दिस वीडियो ऑल ओवर इंडिया अगर आप ये क्लास किए हो तो उसका फायदा उठाओ क्योंकि आई हैव डन ऑल द हार्ड वर्क फॉर यू यू जस्ट हैव टू रीप द मक्खन समझ मो मेरा बात चलो अब जो लास्ट कंपनी बचा है हम लोग उसको करके नक्की करते हैं और हाँ मेरे लिए एक रिवॉर्ड ये होगा जब आप एग्जाम्स दोगे आपका अच्छा मार्क्स आएगा मेरे को प्लीज अपना मार्क्स से अपडेट पक्का करना जरूर करना और दूसरा आपको पता है जो मैं बोलने वाली हूँ अभी कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना ठीक है चलो दिल से देना जो फीडबैक है आपके दिमाग में एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल एस बी आई तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया चलिए अब एस बी आई में चलते हैं एसबीआई के हेड ऑफिस मुंबई में सबसे पुराना कंपनी हम लोग अभी जीतों में डिस्कस कर रहे करें अठारह पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ का बैंक ऑफ बॉम्बे ये तीन बैंक हुआ करते थे ये तीनों बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना और फिर इंपीरियल बैंक की जगह एसबीआई आया सो दिस बैंक ओज इट्स ओरिजिन टू प्री इंडिपेंडेंस डेज एज वेल

क्या ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है नो no, मैम ये तो पब्लिक सेक्टर बैंक है और इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है एसबीआई ठीक है सो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम था और उसके भी पुराने टाइम में जाओगे तो मैंने आपको बोला बैंक ऑफ कलका बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे हुआ करता था तीनों मर्ज हुआ इंपीरियल बैंक बना और इंपीरियल बैंक से एसबीआई में कन्वर्ट हुआ 1955, ठीक है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन छे क्लियर है चेयरमैन रजनीश कुमार एसबीआई का हेड ऑफिस पे है मुंबई में है तो यहां तक आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा all right so there is a beautiful video that will tell you about the journey of SBI aaye dekhte year 1806 was a significant year in the history of banking in india it was this year that the journey of state bank of india began with the bank of calcutta the first modern bank to be set up in the indian subcontinent for european businesses this bank was followed by the bank of bombay in 1840 and the Bank of Madras in 1843 for the other two presidencies. In 1921, the three presidency banks were merged to become the Imperial Bank of India. A bank synonymous with lofty banking traditions and high standards of integrity, serving some of the most illustrious Indians and the common man with unwavering integrity, passion, and dedication. 1st July 1955, under a special act, the State Bank of India Act, the Imperial Bank of India became the State Bank of India. What used to be a purely commercial enterprise rededicated itself to being a national bank. To ensure that the bank moved in the right direction, Prime Minister Jawaharlal Nehru took the initiative of selecting the first central board. And appointed a former finance minister, Dr. John Mathai, as the first chairman. On 1st October 1959, with the passing of the Subsidiary Banks Act, State Bank of Hyderabad became the first subsidiary of SBI, followed by the takeover of major state associated banks as its subsidiaries. India embraced the industrial revolution of the 60s. SBI played a major role in financing industrial expansion of key sectors like iron and steel, manufacturing, power, ports, jute production, cotton mills, and so on. In the early 70s, the bank catalyzed the ongoing green revolution by providing finance directly to cultivators, generating employment and creating self-sufficiency in food grains to promote efficient, effective and low-cost delivery models. State Bank of India began sponsoring regional rural banks. Today the bank sponsors 18 RRBs in remote locations around India. Answering the needs of small farmers, agricultural laborers, artisans and small entrepreneurs. In the early 90s, the bank became the first public sector bank to access the domestic and international capital markets with a simultaneous bonds and rights come public equity issue. The bank's focus on rural India continues with the adoption of over 1 lakh unbanked villages. Empowered with mobile and biometric technology, Bank aims to reach organized banking to the doorsteps of every villager. The concept of using the microfinance channel to reach affordable credit to the rural poor through self help groups continues to receive close attention from the bank. State Bank of India is backed by the unstinting dedication of over 2,15,000 banking professionals and support staff at all levels, propelling horizontal and vertical growth to update and hone their skill sets and bring them on par with the highest standards. Four national level apex training colleges and 54 learning centers are spread all over India. Over the years, 14 circles in India were carved out. The local head offices located in different state capitals throughout the country ensure administrative convenience as well as cater to regional aspirations. Two representative offices in New York and Frankfurt in 1965, the bank in less than five decades succeeded in setting up 173 foreign offices covering all time zones. Through these offices, the bank provides various services to Indian businesses abroad and has partnered the Indian community for all their financial needs. The past few decades have seen the bank grow steadily. Currently, SPI is the single largest retail lender in India, providing affordable credit to the common man. The bank has been the largest provider of home loans, supporting over 20 lakh families to have their own home. State Bank of India has always been conscious of its responsibilities to the society under the banner of community service banking. The bank regularly touches various economic, environmental, and welfare activities, focusing on social upliftment. In yet another pioneering move, SBI adopted the green banking policy to reduce carbon footprints by adopting low carbon emission practices. Inheritors of a glorious past. Living in a purposeful present. The State Bank of India continues fostering the hopes and dreams of millions of its citizens, rededicating itself to the service of the nation. As the banker to every Indian. Yes. अब मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा कि इसका लोगो का सिग्निफिकेंस क्या है आप इसका लोगो देख रहे हो एक सर्कल और बीच में एक कट है तो सर्कल के अंदर आप देखोगे ब्लू ब्लू कलर कलर है दिस इज रिप्रेजेंटिंग यूनिटी ऑफ द कंट्री इंडिया और ये जो व्हाइट बीच में कट है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉमन मैन बिकॉज यू नो एस बी एज अ पब्लिक सेक्टर मै दैट इज वर्किंग टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ अ कॉमन मैन तो यूनिटी एंड कॉमन मैन दीज आर द टू सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल बिहाइंड एस बी आई ठीक है क्लियर है तो आइए एसबीआई का हम लोग प्रोडक्ट डोमेन देख लेते फटाफट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा आपको पता है मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक आर नेशनलाइज दैट इज ओन बाय गवर्नमेंट लेकिन एसबीआई एन एक्सेप्शन एसबीआई बींग पब्लिक सेक्टर बैंक इज नॉट नेशनलाइज आपको पता है 1969 में 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किए गए थे लेकिन एसबीआई को नहीं किया गया ठीक है तो याद रखना इट्स द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया बट नॉट नेशनलाइज इन सिक्सटी 1969 क्योंकि एग्जाम में पूछते है, क्या उसको नेशनलाइज किया गया आंसर इज नो प्रोडक्ट डोमेन पर्सनल बैंकिंग यानी कि पर्सनल लोन देता है एग्रीकल्चर NRI पर्प के लिए गवर्नमेंट बिजनेस एक्सेट्रा इंटरेस्ट रेट सर्विस ठीक है एसबीआई का विजन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका विजन इसका लोगों में तो इसका विजन है ये खाली लोगों के प्रति अपने को समर्पित कर रखा है प्रॉफिट मोटिवेटेड नहीं है ये सर्विस so, मोटिवेटेड है माय कस्टमर फर्स्ट

फिर हम लोगों ने ऐसे ऐसे का किया तो वैसे ही आपका इसमें है तो ये लर्न करना बहुत जरूरी है बीकानेर हैदराबाद माइसूर ट्रेवन पटियाला एंड भारतीय महिला बैंक इसमें से देते हैं उससे बताओ कौन सा एसबीआई के संग मर्ज नहीं हुआ तो एकदम इजी सिंपल है याद कर ले तो जयपुर हैदराबाद मैसूर पटियाला ट्रेवन ठीक है एंड भारतीय महिला बैंक ये लोग मर्ज हुए थे एसबीआई के संग इसके अलावा आपको पता है एसबीआई ने सियोल में जो की साउथ कोरिया में वहां पर भी अपना ब्रांच खोल डाला साउथ कोरिया जैसे जगह में एसबीआई ने अपना ब्रांच खोला है ठीक है एंड इट इज फिफ्टी मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया लर्न कर लो ये सब प्रोडक्ट डोमेन हो गया प्रोडक्ट डोमेन तो लाइक अदर कमर्शियल बैंक आपको इसमें ये तीनों चीज याद रखना है कस्टमर फर्स्ट इसका विजन है फाइव बैंक्स जो कि एसबीआई के संग मर्ज हुए थे बीकानेर हैदराबाद मैसूर पटियाला ट्रेवन कोर एक्सेट्रा और साउथ कोरिया में इन्होंने अपना फर्स्ट ब्रांच खोला ठीक है एंड इज इट नेशनलाइज नो इट वॉज नॉट नेशनलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक यस क्या इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर था बैंक ऑफ मद्रास इंपीरियल बैंक 1806 रजनीश कुमार ठीक है इंपीरियल बैंक से एसबीआई बना किस साल में 1955 1955 में और एक चीज हुआ था आपको याद है आईसीआईसीआई बैंक एस्टेब्लिश हुआ था <laughs> excuse me not as a commercial bank it got established but it is a funding institution in 1955 or imperial bank se sbi bhi convert hua 1955 mein okay? theek hai dekh lo ek bar and rajnish kumar कहीं जाइएगा मत जुड़े रहिएगा यहीं पे revise करो इसको क्लियर है एसबीआई के हेड ऑफिस पे है मुंबई तो आपको यह भी याद रखना है कि नाम चेंज कब हुआ दिस इज इंपोर्टेंट पहले इंपीरियल बैंक था फिर एसबीआई हुआ किस साल में हुआ 1955 ठीक है 1806 डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजनीश कुमार चेयरमैन

कंपनी का नेम चेंज हुआ 1992 में पहले ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था बट एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुका है ठीक है फिर इसके बाद आईटीसी इंपीरियल टोबैको कंपनी इंडियन टोबैको कंपनी अभी आईटीसी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है संजीव पुरी सीईओ और चेयरमैन बोथ कोलकाता में हेड ऑफिस 1910 ठीक है फिर उसके बाद सिगरेट्स फूड केयर स्टेशनरी मैच बॉक्स एटसेट्रा ठीक है Uh, फिर उसके बाद आई का फेबल uh, ब्रांड नेम चॉकलेट फोर पॉइंट पर केजी सी एस आर का न्यू दिल्ली नाइनटीन सेवेंटी फाइव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुरदीप सिंह ठीक है फिर उसके बाद uh, ये भी याद रखना है एग्जाम में पूछता है एनटीपीसी क्या कर रहा है लाइट का ही तो जनरेशन कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी सो एवरी फोर्थ बल्ब इन द कंट्री लाइटेड ठीक है? फिर उसके बाद एन टी पी सी गोल्डन पिकॉक अवार उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महारत्ना का भी स्टेटस इसको ठीक है फिर पावर ग्रिड इसमें आपको मैंने पोसो को बोला था सब्सिडरी याद है पावर ग्रिड का सब्सिडी पोसो को है

उसका मार्किंग मैं आपको मैट से करवा देती हूं क्योंकि यहां पे नहीं लिखा हुआ है आई मिस्ड आउट दैट बट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि वो इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आइए उसको नोट सेवर मार्क कर लेते हैं। <गणग> तो फटाफट आप अपने मैट में आ जाओ and tell me the page number please <laughs> <laughs> yes. यस दिस वाज़ द सब्सिडरी कंपनीज आई वाज़ टॉकिंग अबाउट फॉर एनटीपीसी तो आप चाहो तो वहां लिख लो कहीं पे ताकि आपको याद रहे क्योंकि मैथ से तो आप पढ़ नहीं रहे हो ये एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई विद्युत व्यापार बिजली ठीक है भारतीय रेल बिजली मैंने बोला था ना बिजली वर्ड इलेक्ट्रिसिटी या रेल बिजली पटरटू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ठीक है तो ये सब्सिडी एनटीपीसी के ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है इसलिए आई हैव शोड यू सबको तो सब्सिडरी सबका याद रखना है याद है हम लोगों ने उसका भी किया पोसो को पावर ग्रिड का फिर हम लोगों ने उसका भी किया था अह गैस कंपनी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका किया था ना गेल का गेल गैस गेल ब्रह्मपुत्र पॉलीमर्स ब्रह्मपुत्र पॉलीमर्स एंड क्रैकर्स गेल सिंगापुर तो ये सारे ही आपको करना जरूरी है ठीक है चलिए प्लीज इसको मार्क करके छोड़ लो सब्सिडरी कंपनीज को या फिर कहीं पे भी लिख के छोड़ दो प्लीज रेफर पेज नंबर 3.35 ऑफ योर इंस्टीट्यूट मैट सब्सिडरीज ऑफ एन है और और एक मेरा एडवाइस आप लोगों को जब भी आपको नोट्स मिलेगा ना वो जो नोट्स है ना उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना उसका सॉफ्ट कॉपी लेके मत पढ़ो फायदा नहीं उसको डाउनलोड कर लो उसका प्रिंट आउट निकालो और फिर पढ़ो ठीक है आज जो बाकी रिमेनिंग नोट्स है आज के टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा तो एक संग पूरा चैप्टर थ्री का जो नोट्स है ना उसका प्रिंट आउट निकाल लेना और फिर उसको पेन से लिख लिख के पढ़ाई करना तो अच्छे से याद रहेगा ठीक है ओके okay. चलिए अभी फटाफट हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं फटाफट आ जाओ मैट में वेरी क्विकली टेक आउट योर इंस्टीट्यूट का मैट वेरी क्विकली प्लीज 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 वेरी क्विकली वेरी रैपिडली टेक आउट योर इंस्टीट्यूट मैट लेट्स वेरी वेरी इजी इजी क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे से लाने वाला और प्लीज एकदम एंड तक मेरे संग जुड़े रहोगे, कहीं नहीं जाओगे इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि एमसीक्यूज तो घर पर ही कर लेंगे छोड़ो ना मैम का क्लासेस कौन देखेगा इतना देखे हो पांच मिनट और देख लो पांच मिनट से दस मिनट में हो जाएगा ठीक है चलो आ जाओ फटाफट फटाफट आ जाओ

तो इसका आंसर अच्छा आपको अच्छे से पता है जिसका अभी जस्ट मैंने सब्सिडी भी बताया था गेल गैस ब्रह्मपुत्र पॉलीमर्स एंड क्रैकर गेल सिंगापुर आईटीसी का हेड ऑफिस कोलकाता में है आईटीसी बैंक अरे रॉयल के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग अभी एसबीआई का पुराना नाम अच्छे से आपको पता है एसबीआई का पुराना नाम अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया इंपीरियल बैंक था एसबीआई का पुराना नाम राइट नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेवन जयेश मर्चेंट रणबीर कपूर याद है एशियन पेंट्स के एड में आ रहा था उसका सीएफओ कौन था जयेश मर्चेंट ठीक है

फॉर्च्यून में किसका रैंक वन है बार बार मैंने आपको पढ़ाया है किसका रैंक वन है फॉर्च्यून राकेश शाह तस्वीर भी आप लोग देखे थे पीपीटी में देख रहे हो गोल्डमैन सेक्स तो क्वेश्चन बनता ही है ठीक है तो पूछ सकते वेरी इंपॉर्टेंट लिखो जहां अमेडमेंट हो तो इंपॉर्टेंट है दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस अमेंडमेंट So, क्वेश्चन नंबर बोलोगे गोल्डमैन सेक्स किस ईयर में फाउंड हुआ था ठीक है और डेविड एम प्रेजेंट चेयरमैन थे मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री सेकेंड वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी में सेकंड रैंकिंग बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट बट आई सेड यू डेटा एज चेंज देख हो यहाँ पे लिस्ट 2019 दी है और 2020 का बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का पोजीशन फोर्थ हो गया है बट क्योंकि यार 2019 बोल दिया है तो वो माइक्रोसॉफ्ट लर्न करो और एप्पल का फोर्थ है 2019 के हिसाब से ठीक है नेक्स्ट मूविंग ऑन टू 24 आप आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है गुड फूड गुड लाइफ किसका स्लोगन है नेस्ले का माइक्रोसॉफ्ट कब इंडिया में अपना बिजनेस को स्टार्ट किया 1990 में

ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म एज वो सिस्टम इन प्रोसेस कॉल ठीक है इसमें अभी जस्ट्रो मैंने मार्क कराया था ना इसका सब अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग काम है तो ये जो ग्लोबल एज वो सिस्टम है ये है 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 ठीक नेक्स्ट कौन सा एनटीपीसी का सब्सिडरी नहीं है? अभी जस्ट्रो मैंने आपको मार्क करवाया था एनटीपीसी का सब्सिडरी बताओ चलो आप अपने आप बताओ विल नॉट टेल यू कौन सा उसमें नहीं था पटरटू था कांति बिजली भी था भारतीय रेल बिजली भी था कलिंगा बोल के तो कुछ नहीं था थर्टी तो सेवन का आंसर हो गया डी थर्टी एट का आंसर जनरल आप पढ़े थे आटा हुआ चक्की हुआ बिस्किट कुकीज कॉफीज अगरबत्ती सब कुछ आईटीसी के पास डाबर के पास भी वैसे एक्चुअल भी सब कुछ बेचता है चाहे वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो साबुन वाबुन हो खाने पीने का सामान हो लेकिन मारुति तो कार के लिए ना मारुति सुजुकी

है, हा? क्या इसका है? जी हाँ है क्या इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है ना यही अहमदाबाद में तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं इसका हेड ऑफिस है ठीक है ओ एनजीसी का हेड ऑफिस कहाँ पे है आपको पता है चलो मेरे को बताओ ओ एनजीसी का हेड ऑफिस का एल शो यू वेर इज दफिस ऑफ ओ एनजीसी अभी जस्ट नाउ हम लोगों ने डिस्कस किया था देखो उत्तराखंड मैंने बोला था ना हटके उत्तराखंड ओ एनजीसी के हेड ऑफिस उत्तराखंड में कौन सा बोल रहे है पीएस यू नहीं है यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है ठीक है तो चलिए आ जाते हैं आपको पता है एनटीपीसी है भेल भी है पावर ग्रिड भी है पोस्ट टेलीग्राफ नहीं है ठीक है फोर्टी टू में आ जाओ फटाफट फड़। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट टाटा सन होल्डिंग कंपनी है ये सब आईटी कंपनीज है ये सब ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनीज है करेक्ट ऑल आर करेक्ट फोर्टी थ्री में आपको मैथ ऑफ फॉलोइंग करना है फटाफट फड़ कर लो वेरी इजी फोर्टी थ्री का आंसर मेरे को बताओगे माइक्रोसॉफ्ट uh, एक्टिवा बापरे एक्टिवा तो स्कूटी बजाज का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ठीक है ऑप्शन है तो गलत है बजाज एक्टिवा ठीक है नेस्ले का कॉफी आता है जियो मोबाइल फोन ठीक है तो बी इज करेक्ट चलो नेक्स्ट नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन कौन सा गलत है एसबीआई के बारे में इंपीरियल बैंक था ठीक है एसबीआई उन्नीस सौ पचपन ठीक है मर्ज हुआ था ये भी ठीक है बट नेशनलाइजेशन तो नहीं हुआ था मैंने आपको अभी जस्ट नाउ बताया था कौन सा बोर्ड है कंपनी नहीं है डॉक्टर रेड्डी इज नॉट अ कंपनी इंडियन कंपनी हैदराबाद तेलंगाना गोल्डमैन सैक्स क्या चीज का बिजनेस में इन्वॉल्व है मैंने आपको जब गोल्डमैन सैक्स बढ़ाया था मैंने बोला था इट्स एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी एमेजोन कब इंडिया में अपना बिजनेस को सेटअप किया था 2012-13 में ठीक है नेक्स्ट 28, 48 सॉरी फ्लिपकार्ट का हेड ऑफिस पे है अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हो बेंगलुरु और सिंगापुर दोनों दी है

तो मेरा साथ इसी तरह से देते रहो। आज जो मैंने पढ़ाया है, उसका आपको का। मेरा को डाउनलोड करो प्रिंट आउट निकालो और उसको पूरा अच्छे से लर्न कर डालो और डेली एक हफ्ता तक तो उस चैप्टर को रिवाइज करो सोने के पहले आधी घंटा एग्जाम पहले तक नहीं भूलोगे आप रिविजन करके जाओ या ना करो लेकिन अब भी डेली सात दिन रिवाइज करो

कस्टमर फर्स्ट किसका विजन है एसबीआई का है ठीक है सनफ्लावर्स लोगो किसका है विप्रो का है तो कुछ कुछ चीज इतना बार पूछने से ना दिमाग में फिट हो जाता है आप नहीं भूलते हो लेकिन उसके लिए एक आपको टैक्टिक अपनाना पड़ेगा आज ही सारा नोट्स को डाउनलोड करो डाउनलोड करोगे फिजिकल प्रिंट आउट निकालोगे पूरा अच्छे से लर्न करोगे लर्न करने के बाद या तो मम्मी को दे दो बोलो रैंडमली से क्वेश्चन पूछो या एक दूसरे को कॉल करके रैंडमली फ्रेंड लोग से क्वेश्चन पूछो कीप ऑन रिवाइजिंग टिल नेक्स्ट डेज And trust me, अभी अगर दिन दे दोगे, वो भी सिर्फ आधी घंटे इस चैप्टर को आपको एग्जाम्स में आप रिवाइज नहीं भी करके जाओगे ना तो भी क्वेश्चन जैसे एक मूवी आया था ना संजय दत्ता का वो विजुअलाइज करता था गांधी जी जो बोले हैं तो अभी वहां पे तो क्या था गांधी वो जो पढ़ा था वो गांधी जी बोलते थे तो यहाँ पे भी मैंने आपको जो पढ़ा एग्जाम वो ही आएगा तो ऑटोमेटिकली सारे आंसर आपको आते होंगे रीपीली वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर तो आपसे यही रिक्वेस्ट है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाई करो टू ऑल इंडिया प्लीज लर्न दिस चैप्टर दिस इज वेरी इजी डोंट लीव दिस चैप्टर एट एनी कॉस्ट इस चैप्टर को प्लीज मत छोड़ कर जाओ ठीक है इट्स माई रिक्वेस्ट सो यू कैन एंजॉय द लेक्चर्स दे आर देर ऑन द यूब इवन यू मिसर्ट और सेकंड क्लासेस यू कैन सी दो क्लासेस देयर इट सेल्फ और जी हाँ चैप्टर थ्री हो जाएगा आराम से बीसी के पूरा फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी मजे से हम लोग लाएंगे मेरे बच्चों डू गिव मी योर फीडबैक इन द कॉमेंट बॉक्स दैट्स इट शो मी योर लव बाय सब्सक्राइबिंग लाइकिंग द बाई शेयरिंग द वीडियो सो थैंक यू ऑल ऑफ यू अब हम लोग का बीसी के में सिर्फ एक चैप्टर बचा है दैट इज योर चैप्टर नंबर यू इंटीमेशन वेन द चैप्टर सिक्स इट्स एन ऑफ ठीक है कल नहीं होगा सो so, रिविजन करो अभी जो टाइम दिया जा रहा है बीच में गैप दैट इज फॉर रिविजन पूरा बीसी के ना अभी मेरे साथ कंप्लीट कर दोगे तो आप देखोगे एक सब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा आपके लिए मतलब वो सब्जेक्ट एकदम इजी हो गया ओके यस और uh, मैंने जैसा कि आपको बोला रिवीजन क्लासेस ये सब के लिए मैं ऑटोमेटिकली लाइव आऊंगी आपको उसका इंटीमेशन भी मिल जाएगा इंटीमेशन so, के लिए मेरे बच्चों प्लीज आप जो है एमईपीएल क्लासेस को लाइक करो सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो दर इज एन इंस्टाग्राम चैनल बाई माई नेम वेर आई कीप ऑन अपडेटिंग ऑल द पोस्ट रिलेटेड टू माई क्लासेस एंड ऑल्सो रिलेटेड टू एमईपीएल तो आप देखोगे सर का भी वहां पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल uh, है इवन फ्रॉम माई नेम यू गोइंग टू फाइंड माई प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम दिव्या अग्रवाल बोलकर यू कैन लाइक यू कैन फॉलो मी ऑन दैट चैनल ठीक है इंस्टाग्राम में भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो दिव्या अग्रवाल बोल के मेरा पर्सनल प्रोफाइल है यू कैन ऑलवेज आस्क मी योर डाउट्स पर्सनली देयर इन द चैट बॉक्स ऑफ द फेसबुक इन द मैसेंजर प्लेटफॉर्म ऑफ द फेसबुक आई एम ऑलवेज देयर फॉर माय स्टूडेंट्स टू वेलकम एंड एंटरटेन योर डाउट्स ठीक है चलिए नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंजॉय योर डे एंड प्लीज पढ़ाई कर लेना चैप्टर थ्री एक दो दिन में ही नक्की कर देना मतलब आज तो करना ही है एक दो दिन मतलब और रिपीट करते जाना है ठीक है